अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। कहाँ जा रहा है? प्रणवी को कोई हक नहीं ऐसे किसी की बेइज्जती करने का। क्या बेइज्जती? तू खुद देख ना, किस देख जानवी को तो हंस रही है। किधर नहीं जाएगा तू, इधर ही रुक। थोड़ा और सीधे हाथ रख। जी मैम। अजीब बात है। कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं मैम, थैंक यू सो मच। ये समझ कि अगर ये निकले तो तू भी निकली, समझी? जी। चल जाके काम कर। थैंक यू सो मच। अगर सेन गुप्ता फैमिली के फंक्शन में कोई भी ब्लडी कंप्लेन आई तो तुम्हारी नौकरी भी। रैना वहां देखो, आर्या खड़ा हुआ है। चलो यहां से। हेलो, तुम सब लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो? संगीत की तैयारी शुरू करो, सुना नहीं तुमने? और अगर मेरी नौकरी गई ना तो तुम सबकी नौकरी जाएगी। बाप रे, रायना मैम और अभय सर दोनों ने तुझे देख लिया और इग्नोर किया। वो क्या रहा है यार? कुछ समझ नहीं आ रहा मुरली, आखिर रैना दी के टेढ़े दिमाग में क्या चल रहा है? रैना, रैना आ रहा है, वहां होटल में स्टाफ बने हुए घूम रहा है और तुमने कुछ कहा ही नहीं, वो वहीं पे छुपा हुआ है। अरे उसे हम सबको धोखा दिया है, खासकर पापा जी को। बंद घड़ी भी दिन में दो बार सही वक्त दिखाती है। तुम भी कभी कभी अकल की बात कर ही लेते हो अभी। वेरी गुड। झूठ तो उसने बोला है और खासकर पास से। अरे ये बात तो पूरे बैंड बाजे के साथ बाहर आनी चाहिए और आएगी। जरा सोचो, एक बार पा का कहना ना मान के उसने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी तो मार ही ली है। अब जब पा को पता चलेगा कि उसने फिर से ऐसी ब्लडी मजाल की है तो पा तो उसे हमेशा के लिए अपनी वसीयत से और रही बात उज्ज्वला दी की,
वो तो बेचारी बंजर भूमि है ही, उसे तो बच्चा हो ही नहीं सकता। और रहेगा सिर्फ और सिर्फ मेरा प्रिंस। इस पूरी जायदाद का एक लौता वारिस। रहना चुप हो जाओ, घर पे कोई आएगा तो तुम्हारी बातें सुन लेगा। एक लौता वारिस मेरा प्रिंस। दादी आपको लेने आ जाएगी कियान, ठीक है? ओके। आप ठीक हो ना? हाँ। जान, आपके लंबे नाखून बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं। प्रिंस को मम्मा ने लगाए ना? हाँ। मैं देख रहा था, वो आपसे बहुत खुश थी ना? हाँ, बहुत खुश थे वो मुझसे, तभी तो उन्होंने अपने अपने खुद के हाथों से मुझे नेल्स लगाए। हाँ। आपको अच्छे लगे ना? हाँ। बस इस मुरली से तो एक काम ठीक से नहीं होता। जान, उन्हें हमें कितनी बार बचाया, आप भी उनकी हेल्प कर जाओ। हाँ, उन्होंने भी तो हेल्प की है। आप जाओ। आप अपना ध्यान रखना, जाती हूँ। इतना आसान सा काम तुमसे नहीं हो रहा। हाँ, तुमने पहले कभी कील हथौड़ी यूज किया है या नहीं? नहीं की मैम। हाँ, मतलब किए, बहुत 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 किए मैंने। वो ये इस हथौड़ी की ना ग्रिप में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए वो प्रॉपर होल्ड नहीं हो पा रहा। लाओ हथौड़ी मुझे दो, मैं करके दिखाती हूँ। पर मैम, इस बार मैं कर देती हूँ, पता चला फिर से कोई हादसा हो गया तो। लाओ, तुम नीचे आ जाओ। श्योर, आप कर लेंगे? मुझे आता है, मैंने यूज किया है। देखो, यहाँ तक आना है, ये देखो हथौड़ा, ये कील। मुझ पे उंगलियां चला रही थी मैम, मैम की तो खुद उंगलियां फेल हो रही है। देखो, Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।